नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी वर्चुअल लैब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। हमारे 10th स्टैंडर्ड का दूसरा चैप्टर चल रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। उसकी आज 2.9 नंबर की एक्टिविटी लेकर हम आए हैं। पूरा वर्चुअल एक्सपेरिमेंट है, आप अपने घर पे, अपने कंप्यूटर पर अपने हाथों से ये कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि HCl गैस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक गैस कैसे उत्पन्न किया जाता है। बात थोड़ी यूनिक और थोड़ी ऑड लग रही है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपने सॉल्यूशन फॉर्म में देखा होगा, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस किस तरीके से हम बना सकते हैं उसका ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। अच्छी तरह से समझिए, और ये एक्सपेरिमेंट में जो ट्विस्ट है, जो चीज़ें जानने की है, वो भी हम आपको समझाएंगे, वो भी बताएंगे, वो भी अच्छी तरह से समझिए और देखिए, है ना। ये एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है और ड्रॉपर में कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है, और ये दोनों के रिएक्शन से जो भी गैस पैदा होती है वो गैस टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ एक लिटमस पेपर रखा हुआ है, जो पानी में भिगो कर रखा हुआ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस एक्टिविटी क्यों, ये हम बाद में बताएंगे। ये गीला होना चाहिए, ये पानी में सोक किया हुआ चाहिए, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। आपको ये ड्रॉपर पर क्लिक करनी है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कॉन्सेंट्रेटेड इसमें रखा हुआ है वो आपको ये टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। तो ये देखिए, मैं HCl ऐड कर रहा हूँ टेस्ट ट्यूब में, ये आ गया। अब HCl गैस और हमने जो क्लोराइड रखा है टेस्ट ट्यूब में, उसके बीच में रिएक्शन होने वाली है, और वो रिएक्शन क्या होने वाली है देखिए, समझिए। और अब ये गैस निकलती आपकी दिखाई पड़ रही है, ये क्लोरीन गैस है। ये क्लोरीन गैस का कलर ऐसा होता है। धीरे धीरे ये लिटमस पेपर को ड्रैग कीजिए और ये गैस जहाँ निकल रहा है वहाँ रखिए। क्या होता है देखिए, देखा, ब्लू लिटमस पेपर जब रेड होता है तो इसका मतलब ये है कि गैस या लिक्विड जो भी सामने से आ रहा है वो एसिडिक है। तो ये गैस जो क्लोरीन है वो एसिडिक है, लेकिन यहाँ हमारी एक्टिविटी में लगता है प्रोड्यूसिंग HCl गैस। तो ऐसा क्यों लिखा है, HCl कहाँ आ गया इसमें, HCl तो हमने इसमें डाल दिया। अब समझिए, ये हमने पेपर जो है वो पानी से भिगोया था, पानी के अंदर हाइड्रोजन है और उसके साथ ये क्लोरीन गैस का जो क्लोराइड है वो यहाँ पेपर पर, हमारे ये जो लिटमस पेपर है उसके ऊपर अगेन दूसरा एक रिएक्शन हुआ और यहाँ HCl बना। तो ये HCl के कारण ये एसिडिक हुआ और ये पेपर रेड हो गया ब्लू में से। तो दोस्तों, ये पूरा एक्सपेरिमेंट दूसरी बार अगर आप अपने हाथों से करना चाहे, यह रिस्टोर का बटन दिया हुआ है, आप क्लिक कर दीजिए और दूसरी बार एक्सपेरिमेंट कीजिए। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, लेकिन उसका ट्विस्ट हमने आपको समझाया है। मत भूलिए कि ये लिटमस पेपर पानी में गीला नहीं होगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। अच्छी तरह से समझिए, कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड और HCl के साथ हमने क्लोरीन गैस पैदा किया है। वो क्लोरीन गैस लिटमस पेपर के अंदर जो पड़ा हुआ पानी है उसके साथ रिएक्शन करता है और HCl बनता है। तो दोस्तों, वी होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके 10वीं क्लास के लेके हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।